इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि ओल की स्वादिष्ट चटनी कैसे बनाया जाता है। इसके लिए जो है पहले ओल को इसको छीलना है, काला वाला जो है इसको छील के इस तरह से काट लेना है। इसको पहले छील के देखिए, अब इस ढंग से देखिए, अब छिला हुआ हो गया है। अब इसको जो है मीडियम आकार में काटना है। अब देखिए ओल को जो है छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। अब इसको जो है पानी में धोना, अब देखिए इसको पानी में धो लिए हैं। अब जो है अब देखिए पानी में, कुकर में जो है पानी दे रहे हैं हाफ गिलास। अब जो है पानी में ओल को डालते हैं, उसके बाद जो है कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के गैस ऑन कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 सीटी तक इसको उबालना है। कुकर में 3-4 सीटी लगने के बाद कुकर को ठंडाने दिए। उसके बाद भाप इसका निकल गया है। अब उसको जो है ओल को निकालना है। देखिए ये सारा ओल जो है इस कटोरा में इस तरह से निकाल देना है। अब जो ओल निकाल लिए हैं एक एक करके, अब इसको जो है इस तरह से पेस्ट बना लेना। इस तरह से सबको पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए इस तरह से इसको पेस्ट बना लिए हैं। अब जो है इसके लिए कढ़ाई गरम करना। देखिए गैस जला दिया है, अब कढ़ाई गरम होगा। अब देखिए कढ़ाई जो है गरम हो गया। अब इसमें तेल दे देते हैं 2 टेबल स्पून के बराबर। अब देखिए तेल गरम हो गया है। अब इसमें जो अब देखिए इसमें राई देना है। राई देखिए पक गया है, राई पक गया है। अब इसमें जीरा दे देना है। जीरा भी पक गया है। अब इसमें लहसुन दे देना है। इसके बाद देखिए मिर्ची, देखिए मिर्ची और लहसुन को जो है ना भूरा होने तक पकाना। अब देखिए इसमें जो है प्याज देना है। प्याज को जो है भूरा होने तक पकाना है। अब देखिए प्याज जो है भूरा हो गया है। अब इसमें जो है हल्दी डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे। अब देखिए मिर्च पाउडर है, मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा। अब उसके बाद धनिया पाउडर भी डाल देना है। इसको जो है मिक्स कर देना है। मिक्स हो गया। अब इसमें जो है ये पेस्ट जो बनाए थे ओल का, अब इसको डालना है। इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जो है इसमें 1 गिलास पानी डालना है। इसको 5 मिनट तक पकने के लिए देना है। 5 मिनट तक इसको पकाएं, गाढ़ा होने तक। ज़्यादा इसको नहीं चटनी की तरह पकाना है। पूरा इसको गाढ़ा हो गया है। अब इसको जो है ये बर्तन में निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको निकाल लिए। अब इसमें जो है नींबू को गाड़ लेना है। इस तरह से गाड़ने के बाद इसको इस तरह से मिलाना है। मिला लिए हैं। अब जो है यह देखिए ओल का चटपटा चटनी बन के तैयार है।